लोन लगा के उबालते हैं। ऐसा मैं अंदर तक तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज डिनर के टाइम में हम लोग बना रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख लिए हैं, इसको कोयनार फूल बोलते हैं, झारखंड बहुत ही फेमस और बहुत तगड़ा होता है, कोयनार ठुप्पू भी बोलते हैं। तो चलिए इसी को बनाते हैं अभी, और कुछ भी बनाएंगे इसके साथ में। चलिए अभी क्या कुछ करना है। नमस्कार दोस्तों, इसको अभी उबालना है। चलिए अभी उबाल, तो अभी इसको उबालना है, धो के ना। हाँ, इसको धो के लेके लाती हूँ, फिर उबालती हूँ। चलिए धो के ले आई। तो नॉन लगा के उबालते हैं, ऐसा में अंदर तक पहुंच जाएगा नमक। तो इधर दाल भी बन रहा है हम लोग का, और इधर देख लेते हैं 15-20 मिनट हो चुका है, कैसा हुआ है कैसा नहीं। तो उबलने शुरू हो गया, अभी उबलेगा। और दोस्तों, अभी दोनों को पकने देते हैं अच्छा ढंग से। नमक, हल्दी, ये तो पानी देख सकते हैं सूख गया है, आधा पौना घंटा हो चुका है, इसको अभी निकालते हैं। और इधर बन रहा है दोस्तों फेवरेट वाला दाल है हम लोगों का, ये आ गया हम लोग का सरसों का तेल। तो दोस्तों, ये एक हिसाब से ना देहाती तड़का ही लग रहा है, लहसुन लगा के और प्याज लगा के उबल तो चुका है, इसको तड़का लगाने से बहुत टेस्टी होता है। भुंजा गया है ना, चलो नमक और थोड़ा लगाना ही पड़ेगा हम लोगों को। क्या नमक तो लगेगा, टेस्टी करके देखते हैं तो। नहीं नहीं यार, वो बात नहीं है, प्याज में चाहिए चाहिए, थोड़ा कम टिके बस। तो करीना बोल रही, पहले तो लगाई थी, चेक कर लेते हैं बोलते। तो गर्म तो बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है ठीक है, तो दोस्तों ये तो मस्त हो चुका है, ठीक है मस्त चलेगा, लगेगा सेम लहसुन के साथ में, ऐसा होता है देहाती वाला करता। लो जी, ये भी रेडी है हम लोग, बस उबलेगा और रेडी है। जितना दाल को पकाना था पक चुका है, पूरा गीला हो चुका है, तो उबलेगा और रेडी। सब भी खाने शुरू कर दिए हैं, दाल भात और ये सब कुछ नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, ये है झारखंड का है पुटकू, कोयनार ठुप्पू, कोयनार का फूल का ठुप्पू। ये फूल बहुत बढ़िया होता है, सफेद होता है ना। तो करे शुरू। हाँ,
नंबर है।
खाने में तो बहुत टेस्टी लगा ना, बहुत टेस्टी लगा, एक नंबर लगा दोस्तों। आज का डिनर बहुत अच्छा रहा, आप लोग कैसे लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और पहली बार चैनल में आते हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।